Assalamu alaikum. Today's program is all about the legendary, the iconic, stylish, elegant Mr. Saeed Anwar. Kaise the, kya bala thi wo? I'm going to give you the insight of Saeed Anwar, his sense of humor, his class as a player, as an individual, team man, on and off the field. Kya karta tha? Kaisa uska balla ghumta tha? 194, kaise world record banaya? ये सारी बातें जुड़े रहे सकलैन मुश्ताक शो में मेरे साथ अस्सलाम वालेकुम क्या हाल है खैरियत से हैं सईद अनवर की बात कर लें आपसे क्या बला थी कैसा बल्ला घूमता था मैं एक स्टोरी बताना चाहूंगा जो बहुत ही अहम मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है मैं वेस्ट इंडीज का कोच था सर गाफिल सोबर उनके साथ मुलाकात हुई वेस्ट इंडीज़ की टीम का डिनर था सर भी वहाँ पे थे उनकी मोटिवेशनल स्पीच थी उसके बाद सबसे गपशप लगी मैं भी गया अपना इंट्रोड्यूस कराया मेरा खैर उनको पता था उन्होंने कहा तुम वही हो जो दूसरा करते हो मैंने बहुत अच्छा महसूस किया एक इतना बड़ा खिलाड़ी मुझे जानता है दूसरे की वजह से मेरे रोंगटे खड़े हो गए यानी मैंने उनसे एक सवाल किया मैंने कहा सर आप मुझे ये बताएं कि आपका फेवरेट खिलाड़ी कौन है इस वक्त या थोड़ा सा पीछे चले जाएं कहने लगे यार एक खिलाड़ी है मुझे उसको देख के बड़ा मजा आता था अब वो नहीं है मैंने कहा वो कौन है वो कौन था कहने लगे सईद अनवर मैंने कहा अच्छा मैं बड़ा हैरान हुआ मैंने कहा वो क्यों कहते यार फेयरलेस क्रिकेट खेलता था क्या उसकी शॉट्स खेलने का अंदाज था क्या टाइमिंग थी उसकी और बड़ा एलिगेंट था मुझे बड़ा मजा आता था जो कवर ड्राइव मारते थे और जनाब वो जो ऑफ साइड के गेंद को मिड विकेट और स्क्वेयर लेग पे फास्ट बॉलर को खेलते थे स्पिनर्स के ऊपर क्या फुटवर्क थे क्या उसकी रिस्ट में जान थी क्या फ्लुएंसी थी फ्लेमबॉयंट था तो बहुत सारी तारीफें की मैंने जाहिर है इतना बड़ा खिलाड़ी जिसकी दुनिया जो है वो मानती हो और उसका हर जगह पे जो है स्टैंप लगती हो कि सर गाफिल सोबर दुनिया में सबसे बड़ा ऑलराउंडर उससे बड़ा कोई खिलाड़ी नहीं था सब कुछ ही कर लेते थे सईद अनवर की तारीफ कर रहे हैं और मेरे नाचीज़ को भी दूसरे की वजह से उन्होंने जाना और पहचाना मैंने भी सईद अनवर को फ़ोन किया तो सईद अनवर ने कहा कि भाई मेरा जब नेक्स्ट टाइम मिलो तो मेरा उनको बेस्ट रिगार्ड और मेरी तरफ से पूछना ज़रूर मैं भी उनका बहुत बड़ा फ़ैन दैनी आज का एनी आज का प्रोग्राम तो सईद अनवर पे कर रहे हैं तो हम सर गाफिल सोबर की तरफ निकल गए सईद अनवर के मुतालिक मैंने जो सुना खिलाड़ियों से हमारे अंदर के जो टीम के खिलाड़ी थे वो ये कहते थे यार ये बड़ा शातिर प्लेयर है बड़ा दिमाग इसका तेज़ चलता है पहला गेंद बॉलर का खेलता है पांच अपनी मर्जी के करवाता है मैंने कहा वो कैसे कहते इसकी जो पोजीशनिंग होती है हर शॉट के लिए ऐसा लगता है कि जैसे इसको पता है अगला गेंद क्या आ रहा है और उसका सबूत 194 जो उन्होंने किया आप उसकी शॉट्स क्लिप सारे देख लें यानी ओवर का पहला गेंद खेलने के बाद अगले जो पांच गेंदे हैं ऐसे लग रहे हैं सईद अनवर के पता है कि पांच अगले गेंद कौन से बॉलर करने वाला है चाहे वो कुंबले है चाहे वो जनाब कोई फास्ट बॉलर है श्रीनाथ है या प्रसाद है या कोई भी है और उसको पता चल जाता था यानी उसको उसके पास इतना टाइम होता था हर शॉट्स को खेलने के लिए कि पहले गेंद के बाद अगले पांच गेंद इसकी मर्जी के आने हैं या अपनी मर्जी के करवाता था तो ये इससे क्लास नजर आती है कि किस किस्म का वो प्लेयर था बहुत ही एलिगेंट बहुत ही स्टाइलिश क्या टाइमिंग थी दूसरी बात ये है कि टेक्निकली इतना स्ट्रांग नहीं था मगर मेंटली बहुत स्ट्रांग था टेक्निक के ऊपर जितने भी एक्सपर्ट हैं या कोचेस हैं कभी टेक्निक की बात उनकी वो इतनी अच्छी नहीं बताएंगे मगर मेंटली और टेक्टिकल वो बहुत ही स्ट्रांग था रन्स कैसे बनाने हैं बाउंड्रीज कैसे लेके आनी है प्रेशर कैसे बॉलर्स के ऊपर डालना है क्रिएट करना है मैच विनर था गेम चेंजर था अजीब किस्म की बला थी ये तो पाकिस्तान टीम के अंदर वाले जो थे वो सब कहते थे कि भी अगर ये खड़ा है सईद अनवर क्रीज के ऊपर तो मैच हमारे हाथ में पब्लिक भी यही कहती थी ऑपोजिशन क्या कहते थे मुख्तलिफ ऑपोजिशंस के साथ मेरी बात हुई मुरली ने मुरली से एक दफ़ा बात हुई लैंकेशर से मुरली खेल रहा था और मैं सरे से और मुरली ने कहा यार मुझे जो जिसने मुसीबत डाली वो सईद अनवर है वो स्पिन के खिलाफ अगेंस्ट द स्पिन भी खेल लेता है विद द स्पिन भी खेल लेता है मुश्किल लगता है मुझे उसको बॉल करना यही बातें शेन वॉन ने भी कही कि ये एक ऐसा प्लेयर है जो कि स्पिनर्स को मुश्किलात में डालता है कुंबले ने भी यही बात की लेस्टर से एक दफ़ा कुंबले खेल रहे थे मैं सरे से खेल रहा था बारिश हो रही थी हम बैठे तो जाहिर है खिलाड़ी जब आपस में गपशप लगाते हैं तो पूछते हैं तो कुंबले ने कहा यार सईद अनवर बहुत अच्छा खिलाड़ी है वो बहुत ही मुसीबत डालता है बाज का अगर उसका दिन हो तो वो बहुत ही आपको जनाब मुसीबत डालता है आपको समझ नहीं आती क्या करेगा कभी दाएं से मारेगा कभी बाएं से मारेगा यानी कभी इधर भी कभी उधर भी कभी सीधा मार देगा
आपको समझ नहीं आएगी कि ये कर क्या रहा है। ये तो उसकी खेल के छोटे से मैं आपसे वाकया सामने रख रहा हूं, मगर एज ए मैन आउटस्टैंडिंग पर्सन था। जब मैं नया नया टीम में आया तो मैं इनका रूममेट था, मैं शेयर करता था, हर दफा मेरे लिए रूम सर्विस ऑर्डर करना, खाना मुझे मेरे साथ खाना बिल यही देते थे, कहते नहीं मैं बड़ा हूँ तुम छोटे हो, पैसे मैं दूंगा। हालांकि ऐसा होता नहीं था, अक्सर प्लेयर ऐसे नहीं करते थे। बड़ी दफ़ा ऐसा हुआ, हमने सीनियर खिलाड़ियों के साथ खाना खाने के लिए गए रेस्टोरेंट में, उन्होंने खाना गाया और वो गए कहते भी खुद ही बिल दो, हमारा भी और अपना भी। मगर सईद अनवर ऐसा नहीं करते थे, जब भी जाते थे मैं बड़ा हूँ तुम छोटे हो, अगर हम तीन चार जूनियर इनके साथ खाने पर गए तो बिल यही देते थे, मैं बड़ा हूँ तुम छोटे हो। बहुत शफकत, बहुत मोहब्बत के साथ, सेंस ऑफ ह्यूमर उनका बहुत ही आला था। बाजुकात ऐसा होता था जो भी नया टीम यंगस्टर टीम में आता था, रात 12 बजे उसको फोन करके उठा के कहते थे भाई आवाज़ चेंज करके, तुमने डेली अलाउंस नहीं लेना, मेरा ये कमरा है इस कमरे में आओ और अपना डेली अलाउंस ले लो। रात 12 बजे जनाब यंगस्टर जो है वो मैनेजर के कमरे में जा रहे हैं, मैनेजर साहब जनाब लंबी तान के सोए में खराटे मार रहे हैं, दरवाज़ा नॉक किया, मैनेजर साहब आए स्लीपिंग सूट में आंखें मलते हुए बाहर देखा तो जनाब ये मैं अपनी बात बता रहा हूँ सगलैन मुश्ताक मेरे साथ किया सईद भाई ने, तो मैंने दरवाज़ा नॉक किया, मैनेजर साहब आगे, मैंने कहा सर वो आपने फ़ोन किया था डेली अलाउंस के लिए, क्या भाग जाए इधर से, रात 12 बजे डेली अलाउंस लेने के लिए आ गए। तो यंगस्टर्स के साथ इस तरह की जो है ना, मैनेजर को भी तंग करते थे और यंगस्टर्स को भी छेड़खानी रहती थी, हमेशा फ़ोन आवाज़ चेंज करने में माहिर थे और लोगों के अंदर जो है ना वो छेड़खानी इनकी चलती रहती थी। इनके चुटकले जो थे ना वो बहुत मशहूर थे। एक दफ़ा हम बैठे हुए थे तो बात हो रही थी बेगमों की, तो कहा ये बेगम कह नहीं ये लफ्ज़ जो बेगम है ये गलत है असल में, हमने कहा वो कैसे, कहते नहीं नहीं तुमने उर्दू अदब नहीं पढ़ी है, हमने क्या मतलब ये बेगम नहीं है ये है देगम, ये गम देती हैं बेगमें, तो ये भी इनके मलफूजात हैं, छेड़खानी में कमाल थे। अच्छा उसके बाद खेल, ये थोड़े से उनके चुटकले, एज ए इंडिविजुअल कमाल का बंदा था, टीम मैन, पूरी टीम को जोड़ के लेके चलते थे। कभी खटपट होती थी टीम के अंदर, फर्ज किया ऐसे ही मजाक करते करते किसी के आपस में खटपट हो गई, वो खटपट थोड़ी सी आगे चली गई और लड़ाई हो गई। सईद अनवर वाहिद बंदा होता था सबको मिला के जोड़ के बिठा के सुलह सफाई करवाता था और टीम को जोड़ के रखता था, ना सिर्फ के भाई ड्रेसिंग रूम के अंदर जोड़ता था, ग्राउंड के अंदर भी टीम को जोड़ता था। अगर हमें किसी ने डांट दिया, थोड़ा सख्ती से डांट दिया, तो सईद अनवर साहब आते थे बीच में, आ गए यार कोई ऐसी बात नहीं है, हम सब एक ही टीम हैं, हम सब मिलके खेलेंगे। तो बाजुकात ऐसा होता था हमारे सीनियर्स कभी डांट देते थे जूनियर को, खटपट हो जाती थी, तो सईद अनवर का ये काम होता था सबको जोड़ना, जल करना, अजीब सिफात थी। बैटिंग करते हुए मैंने कभी इनको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेहनत करते हुए नहीं देखा था कि जनाब घंटों नेट में प्रैक्टिस कर रहे हैं, घंटों ऐसा नहीं था, नेट में गए अपनी बारी ली और बारी लेके वापस आ गए, थोड़ी सी ट्रेनिंग की, फिजिकली इतने फिट नहीं थे मगर मेंटली बहुत फिट थे। ये नहीं कि बिल्कुल लेजी थे, काम नहीं करते थे, काम करते थे मगर फिजिकली उतने तगड़े और स्ट्रांग नहीं थे जितने जैसे हमारा शाहिद अफरीदी है या शुएब अख्तर था या वसीम अकरम था या इंजमाम उल हक, इंजमाम भी नेचुरली बहुत फिट और स्ट्रांग और तगड़े थे, सईद अनवर जो है ना वो नेचुरली इतने फिट नहीं थे, ट्रेनिंग करते थे मगर वो इतने नहीं थे, मगर मेंटली बहुत फिट था और टेक्निकल इतना नहीं था मगर टेक्टिकल बहुत फिट थे। आउटस्टैंडिंग पर्सनैलिटी थी, एक ऑरा था इनका, ग्राउंड के अंदर जाते थे ऑपोजिशन के ऊपर बड़ा हैवी ऑपोजिशन फील करते थे। और 194 जो उन्होंने किया, मेरा कमरा उनके साथ था, हम लोग इंडिया में थे, मुझे याद है बैंगलोर में जब 96 वर्ल्ड कप हुआ उस वर्ल्ड कप में मैं ही पानी पिलाने के लिए गया था, उससे पहले तो सईद अनवर आमिर सुहेल कमाल फायर वर्क कर रहे थे, खूब इंडियन बॉलर्स को जो है वो पीट रहे थे, मार रहे थे और जनाब स्ट्राइक रेट और एवरेज बहुत ऊपर चढ़ी हुई थी। वो बल्ले की ग्रिप चेंज करनी थी, मैं जनाब ग्रिप लेके गया, बल्ले की ग्रिप चेंज की, पानी पिलाया, उसके बाद सईद अनवर आउट हो गए, सईद अनवर आउट हुए, उसके बाद आमिर सुहेल और पूरे मैच का पांसा, ये एक अलहदा वो है। उस मैच का सईद अनवर को बड़ा गम था, बहुत दुख था, बहुत फिक्र थी उनको, क्वार्टर फाइनल फिर इतना अच्छा स्टार्ट और सारी चीज़ें हाथ में आकर फिर हाथ में से निकल जाना, पूरे का पूरा मैच निकल जाना। तो ये 194 जो उन्होंने किया उससे पहले चार पाँच दिन मुझे उनकी बॉडी लैंग्वेज जो नज़र आ रही थी, मैं सोच रहा था यार ये कुछ अजीब सा इनके अंदर एक फीलिंग्स चल रही है, एक अजीब सा स्पार्क है या एक अजीब सी नेट के अंदर प्रैक्टिस कर रहे हैं, पहले वो इस तरह की नहीं थी, यानी थोड़ा सा और टाइम दे रहे थे, थोड़ा सा और सीरियस थे, थोड़ा सा और फिटनेस के ऊपर काम कर रहे थे, मुख्तलिफ किस्म के शॉट्स खेल रहे थे। और पहले तो ये होता था बैट्समैन अंदर जाता है नेट में जाके थोड़ा सा रोकता है, थोड़ा सा फिर नीचे नीचे खेलता है, जब आखिरी टाइम होता है नेट में बारी ख़त्म होने का फिर चौके छक्के मारते हैं। सईद भाई जाते ही ऐसे एकदम अपने आप को ऐसे जैसे गेम
के अंदर है और जनाब गैप में पहली गेंद पे अगर चौका है तो चौका, छक्का तो छक्का, रोकना तो रोकना, यानी एक्सेलरेट कर रहे हैं गेम को ना। तो 5-6 दिन मैंने उनको देखा, उनके अंदर एक अजीब सी एनर्जी थी, उनकी प्रेपरेशन एक अजीब सी थी। मुझे ऐसा लगता है वो जब 194 मैंने देख लिया, मुझे बाद में ऐसा लगा कि कोई 5-8-10 दिन पहले ही उनको कोई ख्वाब आ चुका था या उन्होंने जेन बना लिया हुआ था कि मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड करना और पूरी दुनिया को बताना है कि किस तरह बैटिंग की जाती है और किस तरह डोमिनेट करते हैं ऑपोजिशन को, अटैक कैसे करते हैं और कैसे आपका अग्रेसिवनेस जो है वो आपने रखनी है बॉल वन से। तो वो जो 5-6 दिन, एक हफ्ता जो उनकी ट्रेनिंग थी या उनका खाने पीने का स्टाइल, और क्योंकि काफ़ी हम लोग करीब थे, सारे टीम बड़ी जल थी, मेरा इनके एक दो कमरे छोड़ के कमरा था और मैं उनको देखता रहता था कि ये कर क्या रहे हैं, कभी स्विमिंग जा रहे हैं, कभी जिम जा रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं। और नेट में जो उनकी प्रैक्टिस थी या प्रेप थी आउटस्टैंडिंग थी, और उसके बाद ऑन द डे जिस तरह उन्होंने बैटिंग की है, यकीन करें ऐसा लगता था कि जैसे बच्चों के खिलाफ खेल रहे हैं और जिधर चाहे जो चाहे जिस वक्त चाहे वो कर ले, जहां चाहे चौका मार दे, जहां चाहे छक्का मार दे, छक्के के ऊपर छक्का मारना तो एक और छक्का मार देना है, वो कोई कैलकुलेशन नहीं चल रही, ऐसे लग रहा था अपनी मर्जी का दिन है और आज सईद अनवर राज करेगा पूरी दुनिया पे। और सईद अनवर ने जिस तरह उस दिन बल्ला घुमाया, जो उसकी बॉडी लैंग्वेज थी, जो उसका अग्रेशन था, जो उसका उसके अंदर जो उसका स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर उसने दिखाया है, तो कद के भी छोटे, फिजिक में भी इतने बड़े नहीं, मगर छक्के बहुत बड़े बड़े मारे उस दिन। एक अजीब दास्तान जो है उन्होंने क्रिएट की, एक अजीब हिस्ट्री लिख के रख दी। 194 किया, अगर वो आउट ना होते, आउटस्टैंडिंग कैच हो गया, ना होते तो वो 200 प्लस भी कर जाते। उन्होंने फिर दुनिया के सारे बैट्समैनों को रास्ता दिखाया कि भाई तुम 200 भी कर सकते हो, तुम 200 भी कर सकते हो, मगर करने के लिए अपने दिल की आवाज़ को सुनना पड़ेगा, अपने अंदर की आवाज़ को सुनना पड़ेगा, और जो तुम चाहते हो, जो दिल चाहता है, उस तरह खेलो, फ्री स्पिरिट होके खेलो, अपने आप को बिल्कुल कैद ना करो, आज़ाद खेलो, जो दिल चाहता है वो करो, डोमिनेट करो, अग्रेसिव क्रिकेट खेलो और आप सब कुछ कर सकते हैं। उसके बाद जाके जनाब रोहित शर्मा और जितने भी दूसरे हैं सबने 200 रन बनाए, पर लेगेसी सईद अनवर की है। मेरा YouTube चैनल देखते रहें, सब्सक्राइब करें, इनसाइड प्लेयर्स की मैं आपके साथ और उनकी स्टोरीज आपके पास लाता रहूंगा। अपना ख्याल रखें, मोहब्बत की जीत हो, नफरत की हार हो, अमन की जीत हो, लड़ाई की हार हो, मोहब्बतें फैलाओ यार, अल्लाह हाफिज। सकलैन मुश्ताक हाइट्स जदीद तर्ज जिंदगी और फैमिली की जरूरियात के ऐन मुताबिक है। प्रेयर एरिया और कुरान अकेडमी, वसी और कुशादा कॉरिडोर्स, लॉबी और एक्सेस एरियाज, रिहायशियों के लिए महफूज और मेहमानों के लिए वसी कार पार्किंग, सर्विलेंस और मैन टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी सिस्टम, फायर सिक्योरिटी सिस्टम, बैकअप पावर के साथ पैसेंजर और कार्गो लिफ्ट्स, फर्श और किचन में संगमरमर और ग्रेनाइट का इस्तेमाल, लिविंग रूम और डाइनिंग रूम की सेटिंग के मुख्तलिफ ऑप्शंस, स्विमिंग पूल और जिम, फैमिली मेंबर्स के लिए तफरीही और पुरफिजा मकामात। हम बेहतरीन से कम की जमानत नहीं देते।